गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग बीइंग एक्चुअल चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं एक यूट्यूब का नया फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है क्रिएटर स्टूडियो के लिए। अगर आप एक क्रिएटर हैं और आप अपने चैनल पे कुछ परमिशंस डालना चाहते हैं, जो कि परमिशन सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सेसिबल ना हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूट्यूब ने एक नया फीचर्स को ऐड कर दिया है अपने क्रिएटर स्टूडियो में, जो कि है क्रिएटर स्टूडियो परमिशंस के रिलेटेड है। अगर आप किसी क्रिएटर को एक परमिशंस देना चाहते हैं अपने चैनल पे, मान लीजिए कि आप सबटाइटल डलवाना चाहते हैं, अगर अलग लैंग्वेज में डलाना चाहते हैं, या फिर कुछ और का परमिशंस देना चाहते हैं, थंबनेल का परमिशंस हो गया, या फिर अपने चैनल्स को शेयर्स करने का परमिशन हो गया, या फिर इनवाइट करने का परमिशन हो गया, या फिर कुछ के भी रिलेटेड परमिशंस हो, बहुत सारे परमिशंस हैं। मैं इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन दिखाने वाला हूँ क्या क्या परमिशंस आप दे सकते हैं और कैसे परमिशंस दे सकते हैं आपको, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप सबको कैसे आप एक अलग क्रिएटर को या फिर एक अलग बोले तो पर्संस को अपने एक्सेस दे सकते हैं अपने चैनल का, वो भी एक पार्टिकुलर एक्सेस, कंप्लीट एक्सेस नहीं, जिससे आप अपना चैनल को ज्यादा ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया और मुझे सेटिंग्स में चला जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ एक परमिशंस का ऑप्शन है, परमिशंस पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर में एक आइकन है इनवाइट का, इनवाइट को क्लिक करके यहाँ आपको उस पर्संस का ईमेल आईडी एंटर करना है जिस पर्संस को आप एक्सेस देना चाहते हैं अपने अकाउंट का, या फिर कोई परमिशंस देना चाहते हैं अपने अकाउंट के रिलेटेड। तो उस पर्संस का आप ईमेल आईडी यहाँ एंटर कर दीजिए, मैं भी एंटर कर लेता हूँ। और एंटर करने के बाद आप यहाँ एक्सेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अकाउंट का मैनेज का ऑप्शंस दिखाई देगा, फिर एडिटर का ऑप्शंस दिखाई देगा, ठीक है, फिर एडिटर का लिमिट्स का ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, एडिटर्स के रिलेटेड, लिमिट्स के रिलेटेड, फिर सब टाइटल एडिटर के लिए, अगर आपको कोई पर्सन चाहिए जो आपका सब टाइटल को मैनेज करे तो वो पर्सन्स आपको यहाँ ईमेल आईडी आप एंटर उसका कर सकते हैं और वो पर्सन्स आपको मिल जाएगा। आप जिस पर्सन को जानते हैं उसी का मेल आईडी एंटर कीजिए, क्योंकि उसके पास मेल जाएगा उसके रिलेटेड और वो वहाँ एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सेस मिलेगा। यहाँ देखिए व्यूअर को भी एक एक्सेस दिया जा सकता है, ये पर्सन्स को आप क्या एक्सेस देना चाहते हैं, वो पर्सन सिर्फ देख सकता है, आपका कोई एडिटिंग या फिर वीडियोस डिलीट नहीं कर सकता है। व्यूअर का लिमिट को भी डाल सकते हैं, जिस भी पर्सन्स का आप ईमेल आईडी डालेंगे ध्यान रखिए कि वो पर्सन्स को आप एक्सेस दे रहे हैं अपने अकाउंट का। तो एक बार थिंक करके फिर पर्सन को एक्सेस दे के आप डन पे क्लिक कर दीजिए। पेंडिंग इन्विटेशन शो कर रहा होगा, पेंडिंग मतलब कि आपने जब तक सेव नहीं किया है तब तक ये पर्सन्स को मेल नहीं जाएगा। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो पर्सन्स को मेल चला जाएगा और फिर वो पर्सन्स चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।